पखांजूर छत्तीसगढ़ राज्य के अंतिम छोर पर महाराष्ट्र सीमा से सटा 11,06,000 हेक्टेयर में 304 गांव का समूह जो कांकेर जिले से आखिरी छोर तक 200 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का इकलौता ऐसा स्थान जहां 4,00,000 की आबादी रखने वाली जगह है जिसका जिला मुख्यालय इतना दूर होगा। वहीं वर्षों से अपनी मांगों को लेकर कई ज्ञापन और न जाने कितने आंदोलन कर लोगों की सुविधा के लिए जिला मुख्यालय को पास पाने की राह तक रही है। इस बार जैसे ही छत्तीसगढ़ में नए जिले की घोषणा हुई मानो लाखों लोगों की निगाहें पखांजूर को जिला देखने को तरस रही हों, पर जब पखांजूर का नाम नहीं आया लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार आंदोलन कर ज्ञापन देते हुए शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश किए जा रहे हैं। जिस पर अब स्थानीय लोगों का कहना है कि राजनीतिक दलों के मुद्दों में हमेशा क्षेत्र में विकास की बात कर बड़े बड़े वादे कर चुनाव में वोट तो ले लिया जाता है, एक नहीं बल्कि क्षेत्र के सभी दलों के सभी समाज के सभी वर्गों की सुविधा देखते हुए मांग की जाती है तो बात सुनने वाला कोई सामने तक नहीं आता, जिससे ग्रामीणों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। स्थानीय नेताओं का कहना है कि जब छोटे छोटे जगहों को जिला बनाया जा सकता है तो पखांजूर जिला बनाने को लेकर हर मापदंडों से पूर्ण है और लाखों लोगों की सुविधा का सवाल है तो आखिर इस पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा है। इन मुद्दों को लेकर अब कांग्रेसी नेता, भाजपा नेता, आम आदमी नेता, आदिवासी नेता, महिला समिति, समाज सेवी, बंग समाज नेता के अलावा छत्तीसगढ़ी सभी वर्ग समाज के स्थानीय लोगों द्वारा मांग को जल्द पूरी करने की रणनीति तैयार की जा रही है, जिसमें प्रत्येक दिन ग्राम स्तर मीटिंग किया जा रहा है। जल्द ही मांग पूरी करने की गुहार को लेकर 40,000 से 50,000 लोगों के साथ राजधानी चलने की तैयारी चल रही है, जिस पर पूर्व विधायक रहे मंतुराम पवार का कहना है कि यहाँ क्षेत्र वीर गैदशियों की भूमि है और हर मापदंडों के आधार पर पखांजूर जिला बनने का हक रखता है। लाखों लोगों की सुविधाओं को देखते हुए हम सब मिलकर पखांजूर को जिला बनाने की मांग को लेकर हर कदम साफ है और आगे आंदोलन की तैयारी कर मांग को जरूर पूरा करवाने के लिए लड़ेंगे। जिला संघर्ष समिति द्वारा एक लक्ष्य एक मांग अरुणकोट को जिला बनाने को लेकर अब लगातार आपका क्षेत्रीय जो मीटिंग है चल रहा है, आगे की रणनीति बताएंगे और अब क्या चल रहा है उसके बारे में जानते हैं। देखिए हमारा पहला मांग तो ये है कि परलकोट पखांजूर को जिला बनवाएं और ये कार्यक्रम हमारा 10-15 दिन हुआ है, कंटिन्यू चल रहा है। आज 8 ग्राम पंचायत का बड़े भारी यहां पर मीटिंग है और उसमें देख रहे हो कि हजारों से ज्यादा भीड़ में क्षेत्र के सारे मुखिया यहां पर मौजूद हैं, सारे जनप्रतिनिधि सारे पार्टी के यहां मौजूद हैं। सबका एक ही मांग है, एक ही डिमांड है कि क्षेत्रफल को देखते हुए, हमारी जनसंख्या को देखते हुए और विशेष करके मैं राज्य सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा, मांग करूंगा कि छत्तीसगढ़ में प्रथम शहीद गेन सिंह का यह जन्मभूमि है, उनका कर्मभूमि है, इसलिए उनका गेन सिंह के शहीद के सम्मान देने के लिए पूरा जनता का मांग है कि पखांजूर परलकोट को शहीद गेन सिंह के सम्मान के लिए पखांजूर को जिला बनाएं। अब एक बात आती है, आप पूर्व विधायक रह चुके हैं इस क्षेत्र के, राजनीतिक गलियारियों में अब तक पखांजूर को लेकर कोई भी बात हलचल नहीं हो रही है, लोगों का कहना है महज एक वोट बैंक की तरह इनको इस्तेमाल किया जाता है, क्या जानकारी इसकी, क्या सच्चाई है? देखिए अंतागढ़ विधानसभा का केंद्र बिंदु है पखांजूर, जब जब भी चुनाव हुआ चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा निर्णय यहीं से होता है। पर मैं उस मुद्दे में जाना नहीं चाहता क्योंकि सारे पार्टी के लोगों ने, हमारे सदस्य पदाधिकारी ने यहां पर आकर जिला का समर्थन कर रहे हैं, पर यह जरूर कहूंगा कि पखांजूर को आज न कल जिला तो देना ही होगा और ये जब तक जिला नहीं होगा तब तक हमारा मांग हमारा पवार जी जिला नहीं बनता है तो राजनीति में कितना नुकसान हो सकता है? देखिए जिला नहीं बनने वाला बात ही नहीं है क्योंकि चुनाव में इसका क्या परिणाम देखा जा सकता है? छत्तीसगढ़ बना तो 16 जिला था, आज 32 जिला हुआ। हम लोग अविभाजित बस्तर में थे, मात्र एक जिला था, आज 7 जिला हो गया। इसको देखते हुए मैं तो दावा के साथ कह सकता हूं कि पखांजूर को आज न कल जिला बनाना होगा। जो परलकोट क्षेत्र में 133 गांव और कुल 304 गांव में लगातार संघर्ष करे जा रही है, अभी तक का क्या परिणाम सामने आया है? परिणाम
आज सेक्टर की तीसरी बैठक में आप देख रहे हैं कि जनता इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं और अपने हक की लड़ाई मांग रहे हैं। और जहां तक प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल जी का कहना है कि प्रशासन से जनताओं की दूरी कम करने के लिए जिलाएं बनाए जा रहे हैं, उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे दूरी में, पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे दूरी में यदि कोई बैठा हुआ है 200 किलोमीटर की दूरी में, एकमात्र पखांजूर की जनता बैठी हुई है। इसलिए सबसे पहले जिला का हक हमें मिलना चाहिए। क्या लगता है बड़े नेता इस पर संज्ञान में क्यों नहीं ला रहे हैं कि क्षेत्र में दूरी है? हम सभी से निवेदन कर रहे हैं, सभी से हाथ पैर पकड़ के बोल रहे हैं, निवेदन करते हैं, आज इस मंच से फिर निवेदन करेंगे कि आप लोग आइए और हमें सहयोग कीजिए। क्या लगता है आगे का परिणाम क्या होगा? सकारात्मक रहेगा। लगातार सभी पार्टियां एक साथ मिलकर जिला बनाने की मांग कर रहे हैं, अब तक का परिणाम क्या है, हाथ लगा आप लोगों? देखिए, ये क्षेत्र की विकास की सोच है। आज की जो सरकार है, सरकार ने छोटे से छोटे जगह जिला बना दिए। अभी मरवाही पेंड्रा गरौली को जो जिला बनाया उसमें मात्र 222 गांव है और उसमें 170 लाख जनसंख्या है, उसको भी जिला बना दिए। एक अंबिकापुर है उसमें मात्र 1,24,000 जनसंख्या है, उसको भी जिला बना दिए। उसके बाद नारायणपुर जिला में 1,47,000 जनसंख्या है, सुकमा में 1,15,000 जनसंख्या है। इतने छोटे छोटे जगह अगर जिला बना सकते हैं तो परोलकोट में 3-4 लाख के ऊपर जनसंख्या करीब और 304 गांव है, जहाँ 304 गांव को जिला बनाने के लिए ये शासन हिचक रहा है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जनता जाग चुका है, अगर इस शासन जिला नहीं बनाएंगे तो जनता इसके अवगय रणनीति बनाएंगे, हमारे संघर्ष समिति के पदाधिकारी बैठेंगे और कड़ी से कड़ी कदम उठाना पड़ेगा या तो बड़े उग्र आंदोलन भी करना पड़ेगा इस जिला के लिए। एक और देखा जा रहा है कि आप लोग सारे जो पार्टी है सब एक साथ मिलकर जो संघर्ष कर रहे हैं, चुनाव में इसका क्या परिणाम हो सकता है? अब जनता चुनाव के सोच के लिए जिला नहीं बनाना चाहते हैं, जनता अपने हित के सोचते हैं। चुनाव को चुनाव वाले सोचे, जनता अपने हित सोचेंगे कि जिला होना चाहिए। पखांजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट।